तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे विनलैंड सागा एनिमे सीरीज के बारे में। तकरीबन इसमें 24 एपिसोड हैं, फर्स्ट सीजन की बात कर रहा हूँ। इसका सेकंड सीजन भी आने वाला है, उसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। क्या सेकंड सीजन की अभी तो बात क्या ही करें, फर्स्ट सीजन की स्टोरी पे फोकस कर लेते हैं। जो विनलैंड सागा है इस एनिमे सीरीज में, जो कहानी है वो आपको एंशियंट टाइम में की जो दिखाई गई है, मतलब कि उस वक्त एंशियंट टाइम में जैसे फ्रेंच हो गए, इंग्लिश हो गए और डच हो गए, आपस में कैसे लड़ा करते थे अपने राज्य विस्तार के लिए, राजा महाराजाओं के इनके वीर वीर योद्धा हुआ करते थे, तो वो कैसे आपस में सेनाओं को लड़ाया करते थे, कैसे उनके अंदर राजनीति चला करती थी, उन सब चीजों को ये दिखाती है एनिमे सीरीज। इस जो एनिमे सीरीज के अंदर जो टाइम पीरियड दिखाया गया है वो 1000 ईस्वी या फिर उससे पहले 952 ऐसे कुछ करके इसमें टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। और इस एनिमे सीरीज में आपको कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं देखने को मिलने वाली है। कोई जैसे आपने नरूटो सोचा होगी उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर है एंशियंट टाइम का देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर हमें देखने को मिलेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई इसको, मतलब कि जो योद्धा हैं वो कैसे लड़ रहे हैं उसके ऊपर फोकस रखा गया है। और इसी एंशियंट टाइम में एक वीर योद्धा हमें देखने को मिलता है जिसका नाम होता है थोर। खैर वो हथौड़े वाले थोर की बात नहीं कर रहा हूं। इसके अंदर जो ये एक करेक्टर हमें देखने को मिलता है बहुत ज्यादा बहादुर है, बहुत ज्यादा एक तरीके से पावरफुल है, अपने टाइम का सबसे ज्यादा पावरफुल योद्धा दिखाया गया है। अब जिस भी ये सेना के लिए लड़ रहा है या फिर अपने राजा को ये सर्व कर रहा है, ये थक चुका है, अब ये नहीं लड़ना चाहता और उस वक्त ये फैसला करता है कि भैया मैं अपनी फैमिली के साथ शांतिपूर्वक लाइफ बिताना चाहता हूं। लेकिन भाई साहब जो राजा है वो थोड़ा ना इतनी आसानी से इनको जाने देंगे। और जो ये थोर है इसकी इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है थोरलिन। अब थोरलिन के सामने ही थोर की हत्या कर दी जाती है। अब यही सोचोगे यार थोर इतना पावरफुल, अपने टाइम का इतना ज्यादा वीर पावरफुल योद्धा है, उसकी कैसे हत्या कर दी। ये जो चीज हमें देखने को मिलती है सच में बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि थोर वास्तव में बहुत पावरफुल है। जैसे उसकी जो वहां पर कन्वर्सेशन देखने को मिलती है लास्ट टाइम के अंदर जो इसको मार रहे होते, बहुत बढ़िया तरीके से उन चीजों को हमारे सामने रखा गया। मुझे पर्सनली वो बहुत ज्यादा पसंद आया है। अब ये थोरलिन की कहानी हमें इस एनिमे सीरीज में देखने को मिल रही है कि थोरलिन जो है वो अपने पिता के कातिल को कैसे मारेगा या फिर नहीं मार पाएगा, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं इसके अंदर। तो उसका एक बदला, उसका एक रिवेंज जो है वो इस एनिमे सीरीज में हमें देखने को मिलता है, जो बहुत बढ़िया तरीके से एक तरीके से जो कहानी डेवलपमेंट है, जो करेक्टर डेवलपमेंट है बहुत बढ़िया तरीके से किया गया। मुझे पर्सनली जो थोरलिन का जो करेक्टर है वो बहुत पसंद आया। एंड मैं बात करूं अगर करेक्टर डेवलपमेंट में, बहुत बढ़िया तरीके से करेक्टर डेवलपमेंट चल रही है और अभी फर्स्ट सीजन ही कंप्लीट हुआ है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका करेक्टर डेवलपमेंट हो गया है, अभी आने वाले जैसे इसके सेकंड सीजन में जो मैंने ट्रेलर देखा है उसके अंदर भी करेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है कि हाँ इसमें कहानी के साथ करेक्टर्स के इमोशन पे भी बहुत अच्छे से फोकस किया जा रहा है। और केवल यही चीज नहीं, बाकी के करेक्टर्स भी हैं जिनकी स्टोरी हमें दिखाई जाती है जिससे कनेक्ट हम हो पाते हैं। और इसके अलावा जो इसमें कहानी पर बहुत अच्छे से वर्क किया गया वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है इस एनिमे सीरीज को। और इसके अलावा जो इस एनिमे सीरीज में जो इसकी कन्वर्सेशन है, जो इसके अंदर डायलॉग है, उसके ऊपर जैसे बहुत अच्छे से वर्क किया गया है, आपको मैच्योर चीजें आपको नजर आएंगी जिसको सुनकर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, इससे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति के द्वारा, एक करेक्टर के द्वारा ये कहना कि इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी का गुलाम है और आपको उसका सही से यूज करना आना चाहिए, मतलब वो जो चीज वो बोलता है फिर उसके बाद जब ये बोल रहा है तब किसी करेक्टर का हमारे सामने आना, तो वो मतलब ये लगता है कि यार कितनी परफेक्ट लाइन बोली और उस परफेक्ट टाइम पे कितने अच्छे तरीके से वो चीजें हमारे सामने रखी जा रही हैं। तो ओवरऑल अगर इस एनिमे सीरीज की बात करूं तो आपको डेफिनेटली इस सीरीज को देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब या फिर एंजॉयमेंट आपको आने वाला है। विट स्टूडियो के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, ऑब्वियसली इसके अंदर आपको कोई भी एनिमेशन की शिकायत नहीं होने वाली है। काफी जगह तो स्लो मोशन या फिर जैसे जो साउंड ट्रैक है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो बहुत बढ़िया तरीके से रखे गए हैं। वास्तव में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत बढ़िया किया गया। अब इसके अलावा शब्द ही नहीं मिल रहे हैं, मतलब इसके अंदर अगर मैं नेगेटिव चीजों की बात करूं तो देखो इसके अंदर 24 एपिसोड है, 17 या 18 एपिसोड के बाद ये सीरीज थोड़ी खींचती हुई हमें नजर आती है, ऐसा मुझे पर्सनली फील हुआ, आपको शायद वैसा फील ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे थोरोलिन का करेक्टर मुझे देखना था कि उसकी कहानी आगे बढ़े, लेकिन 17-18 के एपिसोड के बाद जो कहानी है थोरोलिन की उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होती है, स्टोरी कहीं और फोकस करने लग जाती है।
हाँ अगर देखा जाए तो स्टोरी डेवलपमेंट के पर्पस से वो जरूरी भी होता है, लेकिन मुझे थोरोलिन का करेक्टर आगे बढ़ते हुए देखना था, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे वहां पर बोरियत महसूस हुई। शायद आपको वैसा फील ना हो, आपको शायद पूरी इंटायर सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट हो, आप इससे कनेक्ट रहे, आपका इंटरेस्ट बना रहे, लेकिन लास्ट के कुछ एपिसोड में मुझे ऐसा फील हुआ। अब जो लास्ट में जो ट्विस्ट भी आता है वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। खैर वो क्या चीजें हैं, ये तमाम चीजों को जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी कि कौन से ट्विस्ट की मैं बात कर रहा हूं, कैसे इसके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट है, कैसे स्टोरी डेवलपमेंट है, इन तमाम चीजों को तो जानना है। तो देखो यहां पर तो मैं रिव्यू में ये सब चीजें नहीं बता सकता हूं, आपको पर्सनली जाके ये सीरीज देखनी होगी। तो ये जो सीरीज है एक सब्सक्राइबर ऋषभ रस्तोगी, उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी और उनकी वजह से मैं ये सीरीज देख पाया हूं, तो मैं ये क्रेडिट उन्हीं को देना चाहूंगा कि भैया उन्होंने अच्छी सी एक बढ़िया सी एनिमे सीरीज मुझे सजेस्ट की। तो इस विनलैंड सागा को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10। अगर आप लोगों ने ये एनिमे सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो एक बार फर्स्ट एपिसोड ट्राई करके देखना, क्योंकि तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब भी मैं किसी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देखता हूँ वो बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो लगातार उसके सारे के सारे एपिसोड देख लेता हूँ। इसका फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद इसके 12 एपिसोड मैंने लगातार देख लिए, फिर उसके बाद अगले दिन इसके 12 एपिसोड का मैंने कंप्लीट किया, इतना ज्यादा इंटरेस्ट इसने क्रिएट कर दिया था। आप अपना आपका रिव्यू है, जो भी आपके विचार हैं, ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें रख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।